नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेपर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। जेल से आई अमृतपाल की चिट्ठी बनी चर्चा का विषय। वारिस पंजाब दे के प्रमुख व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का एक पत्र चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने वहां से एक पत्र लिखा है जिसे उसने अपने वकील को सौंपा। इस पत्र के जरिए उसने लिखा कि जेल में वह चढ़दी कला में है। सिख संगत को संबोधित करते हुए लिखा गया कि निजी तौर पर वकील न किया जाए, सिखों पर हुए केसों के लिए कोई निजी तौर पर अदालत न जाए और जल्द ही वकीलों का पैनल तैयार होगा जो इन मामलों को आगे बढ़ाएगा। पंजाब सरकार पर बरसते हुए अमृतपाल सिंह ने सिखों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने का भी आरोप लगाया। अतीक के बेटे अली अहमद का कथित पत्र सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पत्र में की सपा और बीजेपी को वोट न देने की अपील। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में नीचे अली अहमद का नाम भी लिखा हुआ है। ये पत्र एक प्रिंटिंग प्रेस हाउस में छपा है और इसमें माफिया अतीक और भाई अशरफ की फोटो भी लगाई गई है। पत्र में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील की गई है। पत्र में अतीक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और सपा को जिम्मेदार ठहराया गया है। पंजाब में कई स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी पन्नू की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। सिख फॉर जस्टिस संगठन के सरगना व आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 29 अप्रैल को अमृतसर और फिरोजपुर समेत पंजाब के कई जिलों में रेल यातायात रोकने की धमकी दी। इसके बाद गुरुवार को राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट के बाद अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल और उसके साथियों पर एनएसए लगाने को चुनौती देने की तैयारी एसजीपीसी कर रही हाईकोर्ट जाने पर विचार। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तारी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी गुरुवार को डिब्रूगढ़ पहुंची एसजीपीसी की टीम में शामिल सदस्य एडवोकेट भगवंत सिंह सिलायका ने दी है। आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। आज चड्डा ने पीएम को बताया चौथी पास राजा। मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यीकरण पर चल रही सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के खर्चों का हिसाब मांगेगी। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल सिटी वेपर।